अब सही कैम का और नहीं परवाज का मजमू हो भी चुका, तारों पे कमंदें फेंक चुके माता पिशब खूं हो भी चुका। अब और किसी फरदा के लिए नाखों से क्या पैमा कीजिए, किस ख्वाब के झूठे अफसों से तस्कीन दिले नादां कीजिए। शीरीनी लब खुशबू दहन अब शौक का उनमा कोई नहीं, शादाबी दिल तफरीह नजर अब जीस्त का दरमा कोई नहीं। जीने के फसाने रहने दो अब इनमें उलझ कर क्या लेंगे, एक मौत का धंधा बाकी है जब चाहेंगे निपटा लेंगे। ये तेरा कफन वो मेरा कफन, ये मेरी लहत वो तेरी है। आज से 3000 साल कबल मसीह की तारीख में भी भट्टा मजदूर की हालत ऐसी ही थी जैसी आज है। भट्टा मजदूर की जबू हाली हो या खेत मजदूर की बेबसी, इर्तिका का नजरिया दम तोड़ता दिखाई देता है। जबरी मुशक्कत की तारीख तारीखी इंसानी जितनी ही पुरानी है, आज की नाम नेहाद रखी याफ्ता तहजीब में भी जबरी मुशक्कत ना सिर्फ जारी है बल्कि इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। एक आलमी तंजीम की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में 25 लाख अफराद को स्मगल करके जबरी मुशक्कत का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया के 161 ममालिक इंसानों की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। इस जबरी मुशक्कत से 31.5 अरब अमरीकी डॉलर सालाना की नाजायज कमाई होती है। जबरी मुशक्कत असल में है क्या? ऐसे लेबर जहाँ पे आप सस्ती उजरत के इवज पैसे दे के लोगों की को खरीद कर ले जाएं और उनको अपने पास पाबंद रख लें, उसको बॉन्डेड लेबर कहते हैं। बॉन्डेड लेबर से मुराद पाबंद मजदूर हैं जिनको किसी न किसी ट्रैप में ला के मजबूर किया जाता है कि वो मेहनत करें, अपनी मर्जी से नहीं किसी की मर्जी से। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 18 लाख अफराद जबरी मुशक्कत पर मजबूर हैं। ऐसे मजदूरों की बड़ी तादाद ज़राअत के शोबे, ईंटों के भट्टे और कालीन बाफी के सनत से वाबस्ता है। इब्न खल्दून ने कहा था कि उन कौमों और माशरों को जवाल और तबाही से मुअज्जज़े भी नहीं बचा सकते जिनकी ना खुदाई जरप्रस्तों के हाथ में चली जाए। इन्हीं जरप्रस्तों ने इन्हें कुछ कर्ज देकर इनकी नस्लें गिरवी रख ली हैं। हमारे तजर्बे में बिल्कुल मुशाहदे में ये बात आई है कि कोई भी मालिक वो ये चाहता ही नहीं कि वो एडवांस दिए बगैर किसी मजदूर से काम करवाए। ये मालकान की जरूरत है। भट्टा वर्कर्स की जरूरत तो होती है लेकिन मालकान किसी डेली वेजेस वाले को अब पसंद करते ही नहीं है क्योंकि एडवांस पैसे दे के उनको सस्ती लेबर मिलती है। जरूरत के लिए पैसे लेते हैं, जब इनका कोई बच्चा होता है तब भी कहते हैं जी 5000 का खर्चा है तो जो 15000 रुपए लेते हैं, शादी है तो तब पैसे लेते हैं, जब इनको कहते हैं कि यार थोड़ी बहुत कटौती कराओ ये करवाते नहीं है, तो पैसे ये माने के हम नहीं लेते तो हम उसके जिम्मेदार। फौतगी हो जावे उन्दे वास्ते कर्ज लेना कोई जुल्म तो नहीं है, पर कर्ज टाई जाते ने, टा के भी 8-8 साल कर्ज ही नहीं लेंदा। ये लें जी आप पैसे लें और आप खाएं पिए मौज करें, और वो बड़ा एक चाम होता है उस मजदूर के लिए, उस मेहनत कश के लिए जिसकी जिंदगी बड़ी अजीरन होती है देहात में एक वडेरे के पास। ये जो चाम होता है ये उसको एक नए ट्रैप में लेके आता है जहाँ से फिर उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये अपने मुफाद के लिए ये खुद चौधरी बन के फिरते हैं, औरतों को इधर लगा देते हैं तो खुद चौधरी बन के सारा दिन, ये देखें ना इसकी शक्ल देखें, इसको पूछे कि कितना काम करता है ये बंदा, सारा दिन इसका यही काम है कि शरारतें करते फिर ना। शरारती आदमी इस तरह वो बात इसी भी यही करते हैं, मेरे बच्चे भी मम्मी इतने कम करते हाँ, मैं ड्राइवर सा बच्चे बथेर करते हैं, असी इंदा तनखाह का कोई मुतालबा, असी आखिया तनखाह नहीं रहना ना मजदूरी देना, असी इन्हें जवाब दिता इन्हें साढ़े चोरी का पर्चा करा। ये इस गर्दाब से अगर निकलना चाहे भी तो उन पर केसेस बना दिए जाते हैं। ये तो जराइम पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने इशू बनाया हुआ है, किसी पे ऐसे पर्चा नहीं होता, ना ही आजकल ऐसे हालात हैं। आपको पता है कि उसी वक्त हाईकोर्ट खींच लेता है, सुप्रीम कोर्ट खींच लेता है, ऊपर इंतजामिया अफिसर बैठे हैं। ये असल में इन लोगों ने उस इशू को बना के ये पेशियां भी इसी चक्कर में जबरदस्ती खाती हैं और उसी चक्कर में ये वारदातें करते हैं। इतनी जो वारदात होती है वो हम लोग करते हैं, भट्टे वाला तो नहीं करता, ये और कोई नहीं करता, ये सब यही लोग करते हैं। कि जो भी असी कोई मजदूरी का रुख करने कि सानू मजदूरी मिले, उस वक्त एक तो झूठे पर्चे या बच्चों के कोई चोरी डकैती पा देनी कि जरूरत ना कोई करे कि रेट मंग लैन। जबरी मशक्कत लेने के लिए
पुलिस तशद्दद, पुलिस टॉर्चर जो है और झूठे मुकदमात भट्टा मजदूरों पर, वो एक बेहतरीन हथियार के तौर पर मालिकाने इस्तेमाल करते हैं। इधर से पैसे लेते हैं, उधर जाके सुबह 500,000 रुपया वकील को देते हैं, उधर अदालत में खड़े हो जाते हैं, खुद ही अपने आप को अंदर बंद करते हैं। हम तो नहीं पता, हम तो आए इधर अपने दफ्तर में बैठे, आए कभी आए कभी ना भी आए, और भी काम काज है, हम चले जाते हैं। ये खुद ही उनको अंदर बैठ जाते हैं, ऊपर से जाके बैल्फ ले जाते हैं, ये देखो जी मारे इन्होंने बंदे ताड़े हुए हैं, और वो अपनी जो 2-4 हजार की चार पहियों होती हैं वो भी नहीं छोड़ते। जिस मालिक की आप बात कर रहे हैं उस मालिक ने अपने पत्थरों पर, वो वहां पे बात कर रहा था ड्राइवर की, और उसमें वो अपने पत्थरों पर उसने 11 FIR दर्ज करवाई और 11 की 11 डकैती और चोरी की थी। और आप ये देखें कि उसमें से बहुत सारे पर्चे बिल्कुल बेगुनाह, फिर कोशिशें की ऑर्गेनाइजेशन ने, हमने उसमें बाकायदा जाकर खुद मुदाखलत की, हमने मुतलका DPO को और लेबर मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया, और वो लोग बेगुनाह साबित हुए और उनमें से 1-2 FIR खारिज भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी 9 FIR जो हैं वो उन पर मौजूद हैं, और मालिक ने उनके साथ उन्हें प्रेशराइज करा है कि आप मेरे भट्टे पे आए, आप काम करेंगे तो मैं ये FIR वापस लूंगा। ब्रेक के बाद देखिए आदाद शुमार का एक और गोरख धंधा, एक भट्टा मजदूर औसतन कितना कमाता है। मेरा नाम शाजिया है, मैं सेंटी चेक में रहती हूँ। मैं काम कर रही हूँ कोई इतने 5-10-8 साल में, तो ईटीएम निकालती 1500-1600, और उसका मुझे मिलता है कोई 300-400 मिलता है। ऐसे तो सारा कोई नहीं, इतने बंदे 300 रेट दे रहे हैं, 100 रुपये काट लेते हैं। 300 रुपया रेट देंगे ने सिर्फ, इनके जो 200 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया कटौती कर रहे हैं। सबसे पहले इस निजाम को समझना जरूरी है जो भट्टा मजदूरों को जबरी मुशक्कत पर मजबूर करता है। ये मजदूर और इनकी नस्लें आखिर कैसे चंद हजार रुपयों के बदले गुलाम बनते चले जाते हैं। सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1000 ईंट बनाने का मुआवजा 517 रुपए है। भट्टा मालकान की तरफ से 300 से 350 रुपए फी हजार ईंट दिए जाते हैं। इन 300 या 350 रुपयों में भी 100 रुपए एडवांस या पेशकी के नाम पर काट लिए जाते हैं। एक भट्टा मजदूर औसतन एक माह में 22 दिन काम करता है। काम करने के औकात कार 14 से 16 घंटा रोजाना है। 200 रुपए फी हजार ईंट के हिसाब से एक मजदूर एक माह में 4400 से 5000 तक कमाता है। इस दौरान शादी या बीमारी की वजह से ये मजदूर एडवांस या पेशकी रकम ले लेते हैं, जो साल हर साल अदायगी के बावजूद कम होने का नाम नहीं लेती। दूसरी तरफ भट्टा मालकान का ये मौकफ भी होता है कि ये लोग एडवांस लेकर भाग जाते हैं। गमी या खुशी के किसी मामला में ये सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात के अहल नहीं होते, क्योंकि भट्टा मालकान इनको रजिस्टर नहीं करते। अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। देखिए, इनका घर नहीं होता, इन्होंने उसी जगह पे रहना होता है, ये बेघर लोग होते हैं। दूसरा ये है कि इनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड अगर दे दिए जाए, ये भट्टा बाकायदा एक इंडस्ट्री है, इनको कोई भी लीगल इंटाइटलमेंट्स नहीं है, किसी भी ऐसी सहूलत जो कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई भी ऐसी सहूलत है वो इनको नहीं दी गई। इनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड के फोल्ड में नहीं लेके आए हुए। भट्टे रजिस्टर अगर है तो ज्यादा से ज्यादा किसी भट्टे पे आप चेक कर लें, उठा के देख लें लिस्टें। डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर की आप अगर बात करें तो 167 भट्टे जो है वो रजिस्टर है, लेकिन किसी भी मजदूर को रजिस्टर नहीं किया गया और 10 से ज्यादा वर्कर्स को रजिस्टर नहीं किया गया, जबकि एक भट्टे पर कम से कम 150 से 200 मजदूर काम करते हैं और 10 की बुनियाद पर उसको रजिस्टर किया हुआ है। और जो 10 की बुनियाद पर उन भट्टों को रजिस्टर किया हुआ है, उन भट्टों के उन 10 वर्कर्स को भी वो लीगल इंटाइटलमेंट्स जो है वो नहीं दी गई। मैं समझता हूँ जी कि ताकत हमेशा ताकतवर के हाथ में ही होती है। जिसके हाथ में ताकत होगी वो बाकी तमाम अदारों को, बाकी तमाम लोगों को उसी तरह इस्तेमाल करेगा। भट्टा इंडस्ट्री शायद पाकिस्तान में वो वाहिद इंडस्ट्री है जो आज तक नुकसान में नहीं है। सबसे ज़्यादा इंसानों की एक्सप्लाइटेशन जो होती है वो भट्टा मालकान की तरफ से होती है, भट्टा वर्कर की एक्सप्लाइटेशन होती है, उसकी बुनियाद पे वो कदरे जायद पैदा करता है, और कदरे जायद जहाँ भी होगी वो रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरह के गुल खिलाते हैं। पार्लियामेंटेरियन हमारे देख लें, 80% से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के भट्टा मालकान आपको नज़र आएंगे। उनमें बहुत कम ऐसे हैं जिनके भाई बंदों के होंगे, वरना बराह रास्त वो खुद मालिक हैं। तो जो हमारे कानून साज अदारों में बैठे हुए हैं
वो किस तरह का कानून बनाएंगे इसकी तमाम लोग खुद देख सकते हैं। जैसा कि बॉन्डेड लेबर रेगुलेशन एक्ट में के तहत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी जो कि 15 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है, जिसमें जिसको चेयर करता है डीसीओ करता है, पहले डिस्ट्रिक्ट नाजम करता था। अब आप देखें पावर जिन लोगों के हाथ में है, वही अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मालिकान में से हों तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे? कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा पछड़ा हुआ तबका, एक ऐसा पिसा हुआ तबका, उसको इंसाफ कैसे मिल सकता है? जबकि यहाँ तो आम आदमी के लिए इंसाफ लेना मुश्किल है, तो भट्टा मजदूर तो बहुत ही पिसा हुआ है। भट्टा मजदूरों में औरत की हालत नागुफ्ता बे है, औरत तेहरे जुल्म का शिकार है। खवातीन के साथ तो दोरे तेरे किस्म का तशद्दुद होता है। यह है कि जो एक मर्द लेता है पेशगी और उस मर्द से जो इंतकाम लिया जाता है वो उसकी औरत के साथ ज्यादती कर, क्योंकि एक तो पैसा कभी उनके हाथ में नहीं आता, वो मेहनत पूरी करती हैं, शायद मर्द से भी ज्यादा करती हैं, अपने बच्चों के साथ सारा दिन उसी काम में मसरूफ रहती हैं और शाम को जाके उनको घर के काम काज भी करने होते हैं, लेकिन पैसे से वो महरूम होती हैं। पैसे जो होते हैं वो मर्द मत कोई मिलते हैं। वो औरत बच्चे एक वक्त में उसने बच्चों को भी पालना होता है, वो भट्टे पे भी काम कर रही होती है और वो 10 से 12 घंटे काम करती है, और उस औरत के काम की फिर शनाख्त भी कोई नहीं, उसके घर में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है उस तरह से, और भट्टे पे तो है ही नहीं है। ब्रेक के बाद देखिए सास और बहू की एक दास्तान, कैसे पेशगी रकम लेने की वजह से उन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए।